মঙ্গলবার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল। নির্যাতিতা মহিলাদের আইন সহায়তা এবং চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য চালু হওয়া ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করা হলো। পরিদর্শন করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি দল। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা। মঙ্গলবার বিকেলে তিনি ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, 2022 সালের নভেম্বর মাসে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালু হয় ওয়ান স্টপ সেন্টার। নির্যাতিতা মহিলাদের আইনি সহায়তা থেকে চিকিৎসা পরিষেবা একই জায়গা থেকে দেওয়ার জন্য এই ওয়ান স্টপ সেন্টার। মঙ্গলবার এই সেন্টার পরিদর্শন করে যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা। बिल्कुल गलत तरीके से चलाया जा रहा है। ना यहाँ के काउंसलर हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, मिसिंग और किडनैपिंग के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 महीने में 72 केसेस हैं यहाँ पर। आप सोच सकते हो, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 9 महीने में मिसिंग और किडनैपिंग के 72 केसेस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लो, सेक्सुअल अब्यूज की 34 केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के 88 केसेस और एनी अदर 85 केसेस। ये 9 महीने के केसेस हैं, वो भी जब लोगों को पता ही नहीं है कि वन स्टॉप सेंटर है। अगर पता होगा तो कितने केसेस आएंगे, आप सोच लीजिए। ये हॉस्पिटल के अंदर खुला है, अंदर नहीं होना चाहिए, इसकी सेपरेट बिल्डिंग होनी चाहिए जो गाइडलाइंस के अनुसार है। वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा गाइडलाइंस के अनुसार। 2 काउंसलर होने चाहिए, एक भी काउंसलर नहीं है यहाँ पर, एक भी लीगल ऑफिसर नहीं है यहाँ पर। वन स्टॉप सेंटर का मतलब है कि एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस यहाँ पे इस छत के नीचे गंदगी के अलावा और गलत लोगों को रखा हुआ है, जिनको जो कि अपने आप भी अप्रूव लिस्ट में नहीं है। तो आप सोच लीजिए कैसा चल रहा है ये हॉस्पिटल की हाल देखिए। गाय घूम रही थी अभी यहाँ पर, गंदगी से भरा हुआ। जो आदमी स्वस्थ भी आएगा यहाँ पे बीमार हो जाएगा, ऐसा हॉस्पिटल है। निर्भया केंद्र।